प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ की। साथ ही पंचकुला में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और उन्हें आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा राज्य जहाँ की मिट्टी में खेल है, युवाओं की रगों में खेल है। यहाँ के खिलाड़ी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं, पूरे देश के गौरव को ऊंचा किया है। रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छा गए। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पाओ नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कोल्टाने गेम्स में नीरज ने फिर गोल्ड जीत देश को गौरवान्वित किया है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्वार्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में हाल ही में पंचकुला में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी जिक्र किया। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का, अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है। वहीं मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रोहतक की तनु की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने तनु के करिश्मे का जिक्र करते हुए कहा कि तनु के पिता रोहतक की एक स्कूल में बस ड्राइवर हैं। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का सपना साकार किया। पीएम ने तनु को आगे के जीवन के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। हरियाणा राज्य में एक कहावत प्रचलित है, देशा मां देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। हरियाणा के खिलाड़ी अपनी मेहनत जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेडल लेकर आ रहे हैं और पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।